चलिए, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग का चैप्टर है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना। और आप लोग को इसको ध्यान से समझना है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं उसको क्या कर दूंगा, टिक लगा दूंगा, और आप लोग से क्वेश्चन भी पूछूंगा साथ में। ओके, चलिए आ जाइए यहाँ पर। देखिए, हैव यू एवर थॉट, मतलब कि आपने कभी सोचा, व्हाई वी जनरली टेक डिफरेंट फूड आइटम्स, कि हम डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों लेते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, मतलब डे के डिफरेंट टाइम्स में या डिफरेंट डेज में हम डिफरेंट आइटम्स को लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, सम टाइम्स वी टेक ओनली ब्रेड, कभी कभी हम केवल ब्रेड ही, बटर या पराठा ले लेते हैं, है ना, एग मिल्क। और कभी कभी क्या होते हैं, हम रोटी, राइस, दाल, सलाद, वेजिटेबल्स या कर्ड को लेते हैं ना। एट अनदर टाइम वी टेक राइस, सांभर, है ना, फिश, करी, वेजिटेबल एंड पिकल, मीन्स कभी कभी। एट टाइम्स वी टेक ओनली फ्रूट्स, और कुछ ऐसा भी टाइम होता है जिसमें हम केवल ओनली फ्रूट्स ही लेते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हम डिफरेंट टाइप की फूड्स लेते हैं, हर चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि फूड किससे बना होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर देखिए, फूड वी ईट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन इन्ग्रेडियंट्स, मतलब फूड जिनको हम खाते हैं ना वो एक से अधिक इन्ग्रेडियंट से बना होता है। जैसे जो खीर होती है, खीर में क्या होता है, राइस होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, क्लियर। खीर क्या क्या कंटेंस करती है, राइस, मिल्क और शुगर को। सिमिलरली डोसा जो किससे बना होता है, राइस, डोसा किसका कंटेन होता है, राइस का, दाल, ऑयल, सॉल्ट का क्या होता है कंटेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछ लें कि फूड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, यहाँ ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल सच फूड आइटम्स, सभी प्रकार के फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, कंटेन कंपोनेंट्स, वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं, विच आवर नीडेड बाई आवर बॉडी, जिनको हमारे बॉडी के द्वारा क्या होती है, नीड होती है, क्लियर है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अगर पूछ ले व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स आप क्या बोलोगे, हाँ, कंपोनेंट विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी प्रेजेंस इन द फूड, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हमारे बॉडी के द्वारा नीड है और जो कहाँ पर होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, है ना। दूसरे नंबर अगर पूछे न्यूट्रिएंट्स क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, सो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दिस इज द केमिकल सब्सटेंसेस, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और नीडेड बाई आवर बॉडी, जिनको हमारे बॉडी के लिए नीड होती है, आवश्यक होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शंस, है ना, प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शन के लिए हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, क्लियर है। अभी बोलो समझ में आया, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, या व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स क्या बोलोगे, द न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, क्लियर है। या टेल मी व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड का कंपोनेंट्स क्या है, तो क्या है, वाह, या टेल मी व्हाट इज द फूड ऑफ कंपोनेंट्स, सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज द न्यूट्रिएंट्स, इज द न्यूट्रिएंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या टेल मी न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। जैसे न्यूट्रिएंट्स ये देखो दिया, द मेन न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एंड मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और क्या हैं, मिनरल्स हैं, क्लियर है। चलिए आज यहाँ, इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स के साथ में आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर रफेज, अब दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स रफेज एंड वाटर फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग। यहाँ देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या हमारे बॉडी को ओनली न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, नो, इन एडिशन टू दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर रफेज एज वेल एज वाटर, वाई, फॉर इट्स बेटर फंक्शनिंग, अच्छे रूप से काम करने के लिए हमारे बॉडी को रफेज और वाटर की भी रिक्वायर
होती है, ओके. डिफरेंट फूड्स भी इट कंटेन दीज न्यूट्रिएंट्स. हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं उनमें ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिफरेंट प्रपोर्शन में कंटेन होते हैं. क्लियर है? आइए देखते हैं अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स. तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाया जाता है, ये आपको फूड लर्न करना होगा. फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, तो कौन से फूड आइटम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं? रोटी, पराठा, है ना, बनाना, राइस, ब्रेड, डोसा, है ना. एक क्वेश्चन ये आ सकता है, टेल द फूड आइटम्स डेट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट्स. तो क्या आप बताओगे अभी मोटा मोटा? रोटी, पराठा, बनाना, राइस, डोसा, ब्रेड, और क्या है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं ना. जैसे ये देखो, हाँ एटसेट्रा बोल दो. यहाँ पर देखो, यहाँ दिया गया सम ऑफ द अदर कॉमन फूड्स, कुछ ऐसे कॉमन फूड हैं विच कंटेन, जो कंटेन रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन से हैं? बाजरा, पोटैटो, बनाना, शुगर, है ना, राइस. इधर देखो, राइस, फ्रूट, जूस एंड ग्लूकोज एटसेट्रा. प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछ लें, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स क्या है? प्लांट्स है. अभी वो लोग क्लियर है इतना? कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है? प्लांट है. क्लियर है? तो यहाँ से अच्छा, कार्बोहाइड्रेट करता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना. ये करें, फूड्स आर रिच सोर्सेस ऑफ, है ना, फूड्स आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस होते हैं एंड प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द बॉडी, हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज. हमारे डेली के वर्क एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्लियर है? समझ में आया? अगर हम क्वेश्चन पूछ लें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एक क्वेश्चन ये पूछ लें, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, तो क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट होगा. क्लियर है? yes, अभी बोलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी चीजें समझ में आई? yes, चलो एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना होता है? सो कार्बोहाइड्रेट केमिकल सब्सटेंस है जो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स. क्लियर है? फूड्स, फूड्स डेट आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी, है ना, टू द बॉडी फॉर कैरिंग आउट द आवर डेली एक्टिविटीज. चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बताओ, द फूड डेट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, बाजरा, पोटैटो, बनाना, शुगर, राइस, फ्रूट, जूस, ग्लूकोज. यहाँ पर देखो, रोटी, पराठा, बनाना, राइस, ब्रेड एंड डोसा, ये सब क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. मीन्स जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो कार्बोहाइड्रेट बोलता है, डोंट वरी आई एम अलाइव, है ना, आप परेशान ना हो, मैं जिंदा हूँ, है ना. क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन्स के बारे में. आ जाइए यहाँ पर, चलिए आ जाइए, ये देखिए ये दूध पी रहे, ये देखिए, चलिए आ जाइए प्रोटीन्स नेक्स्ट आ जाइए. देखिए प्रोटीन्स यहाँ पर, व्हाट इज प्रोटीन कंटेंट्स, अब प्रोटीन क्या कंटेन करता है? सो प्रोटीन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन एक केमिकल सब्सटेंस है. प्रोटीन इज व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस. और ये किससे बना होता है? कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बोलो प्रोटीन किससे बना होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से. एंड ये इसे मतलब व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल क्यों होते हैं? दीज आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. अभी देखो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए या हमारे बॉडी को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए किसकी नीड होती है? प्रोटीन की नीड होती है. अब प्रश्न आता है प्रोटीन किस में पाया जाता है? इधर देखो, सम कॉमन फूड्स रिच इन प्रोटीन,
इंक्लूड, बोलो प्रोटीन किस में पाया जाता है? पल्सेज, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज, एग, फिश। प्रोटीन किस में पाया जाता है? पल्सेज, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज, एग्स एंड फिश में। और किस में? मिल्क में है, पल्सेज में, ग्राउंड नट्स में भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं और एग्स। ग्राउंड नट्स मीन्स होता है मूंगफली, है ना, क्लियर। अभी यहाँ देखो नेक्स्ट कह रहे हैं वी गेट प्रोटीन्स, हम प्रोटीन्स कहाँ से? वी गेट प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन्स इधर प्लांट से मिलता है एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स से भी मिलता है, है ना। एनिमल्स से मिल्क के रूप में मिलता है, एग्स के रूप, मीट के रूप में, हाँ फिश क्या है, एनिमल्स ही है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। चिकन मटन जो कुछ भी है सबसे प्रोटीन ही मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ, एनिमल प्रोटीन्स आर नोन एज, अब यहाँ देखो एनिमल प्रोटीन्स आर नोन टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन्स। अब यहाँ देखो एनिमल प्रोटीन्स क्या होता है, प्लांट प्रोटीन से बेटर होती है, क्लियर है। मीन्स एनिमल्स के थ्रू जो प्रोटीन, लाइक जो एग के थ्रू, मीट के थ्रू जो प्रोटीन्स मिल रही हैं, ये सारी बेटर होते हैं किससे? प्लांट से, क्लियर है। अभी बोलो इतना तो चलो मैं क्वेश्चन पूछूं, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? या नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या प्रोटीन केमिकल सब्सटेंस है? यस। प्रोटीन करता क्या है? इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हाँ, कौन से फूड हैं जो प्रोटीन को कंटेन करते हैं? पल्सेज, बीन्स, नट्स, मिल्क, चीज, एग्स, फिश, ग्राउंड नट, पल्सेज, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, लास्ट में एटसेट्रा कर दो, ओके, क्लियर है। अभी प्रोटीन हो गया, देन अच्छा एक चीज़ और देखो, प्रोटीन आर नोन टू फ्रॉम हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन से भी प्रोटीन मिलती है, क्लियर है। चलो अभी इसको यहाँ प्रोटीन के बारे में इतना देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ओके। आपका नेक्स्ट है फैट्स, अब यहाँ पर ये देखना है कि फैट्स क्या होता है। चलिए रेडी हो? नहीं रेडी हो, क्या कर रहे हो फिर? चलिए यहाँ देखिए, देखिए फैट्स, यहाँ पर फैट्स क्या होता है? फैट्स आर आल्सो, अब यहाँ पर ध्यान देना, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। जैसे एनर्जी गिविंग फूड एक तो कार्बोहाइड्रेट था, लेकिन फैट्स भी क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होता है। बट ये किसे, ये क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट्स होता है और मेक बॉडी स्ट्रांग, और बॉडी को क्या बनाता है? स्ट्रांग बनाता है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर ये देखो फैट्स किससे बना होता है, तो फैट्स बना होता है कार्बन से, है ना। फैट्स क्या क्या कंटेन करता है, मीन्स फैट्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या हैं बोलो?